हाय फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर दोस्तों हम लोग की अभी कविता का सेक्शन चल रहा था ये जैसे फिजियल का जो नया सिलेबस है जो नागपुरी भाषा का उसमें तो हम लोग पिछला लेक्चर देखे थे आपका नागपुरक भाईमन जो कि बहुत शानदार लगा था जो कि एक वीर रस में लिखा हुआ था आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कविता जो कि बहुत वो भी बहुत शानदार कविता है पिछला ये कौन कौन कविता हम लोग देख चुके हैं जो नहीं देख देखे होंगे जाकर देख सकते हैं यहाँ पे जगह जगह देख चुके हैं नागपुरक भाई मन देख चुके हैं जगत जननी देख चुके आज क्या देखेंगे आज हम लोग देखेंगे तुलसी और केक्टस ये भी बहुत शानदार कविता है छोटा है लेकिन बहुत मीठा बहुत शानदार कविता है इसका कौन लिखे धनन्द है चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हेडलाइन क्या है कौन तुलसी और कैक्टस इसको आज पढ़ना है हम लोग को ठीक है बहुत छोटा कविता है कविता बहुत टेंशन हो गया था सबको कि सर इतना बड़ा सिलेबस हो गया कविता इतना कर दिया कैसे समझ में आएगा देख रहे हैं ना कितना शानदार तरीका समझाया जा रहा है ये चौथा कविता दिया जा रहा है एग्जाम फॉर्मेट की ओर सर सब बहुत शानदार तरीके से पानी तरह छोटा छोटा है एम भी कराया जाएगा आज एम भी करा देंगे ये सबका टेंशन था टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है ठीक है एग्जाम फॉर्मेट है आपको 90 से 100 के बीच स्कोर लाना एग्जाम फॉर्मेट की जिम्मेदारी है तो तुलसी और कैक्टस कौन लिखे हैं इनको धनेन्द्र परवाही लिखे हैं याद रखिएगा है धनेन्द्र परवाही ट्री के माध्यम से राइटर को भी याद करा देंगे चलिए पढ़ते हैं अंगना के बीचों बीच ऊंच चौतरा बनाए के पवित्र मन से रोपल तुलसी करबूदा आगे देखते हैं नेमहा पानी ढार के जियाल मोर पीड़ित मोर श्रद्धा के ले गेलक उखराय के आगे देखते हैं दुआर के दोनों आरा कुछ कांटा उघरा लंगटा रोप दिलक कैक्टस के हरायन के आगे देखते हैं जीव कर जितना पोसल जीव कर जितने पोसल मोर सुगा मैना कांदा थे काटा में बाइज के बस इतना ही से कविता है पढ़ना है तो पढ़ना है कविता इससे जितना भी सबको अभी कराएंगे हम बिल्कुल इससे बाहर एक चीज नहीं जाएगा तो अब इसका हम लोग एक एक तोड़ते हैं ठीक है थीके? एक एक पॉइंट का एक एक पॉइंट का देखिएगा पूरा क्लियर हो जाएगा याद हो जाएगा आपको तुलसीयर कैक्टस कौन लिखा है इनको

के ले गेल खुराए के चल पहला स्टेप का हम लोग क्लियर करते हैं इतना सा का इसमें एक एक पॉइंट हम लोग देखते हैं तो क्या कभी बोल रहे हैं कि अंगना के बीचों बीच मतलब आंगन है जो ना जो घर के आंगन में ही लगाया जाता है तुलसी के पौधा को पवित्र पौधा तुलसी का घर का आंगन में ही लगाया जाता है तो वहीं पे लगाए हैं आंगना के बीचों बीच बीचों बीच में लगाए थे ठीक ये है ये समझ ये आंगन है इसका बीचों बीच में लगाए हैं और ऊंच चौतरा बना के मतलब चबूतरा मतलब चबूतरे न बना के लगाता है जी इसी में ना ये चबूतरा हो गया ऐसे नहीं रहता है और इसी में ना तुलसी का पौधा लगावल रहता है इसे करके है तुलसी पौधा इसी में नहीं ये चौतरा है ठीक है समझ में आ गया होगा तो ऊंच चौतरा बना के तोना के बीचों बीच ऊंच चौतरा बना के आंगन के बीचों बीच में ऊंच उच्च चौतरा ऊंचा चबूतरा बना के पवित्र मन से रोपाल मतलब पवित्र मन से अच्छा मन से क्यों पवित्र पौधा है ना तुलसी के पौधा तो पवित्र मन से रोपा हुआ तुलसी गरबूदा मतलब तुलसी का पौधा को बूदा बोला जाता है ठीक है पौधा का बूदा बोला जाता है नागपुरी में तो तुलसी गर्बूदा नेमहा पानी ढार के जियाल मोर पीड़ित मोर श्रद्धा के ले गए घोड़ा के नेमहा पानी मतलब पवित्र पानी पवित्र शुद्ध पानी शुद्ध जल को डाल के ढायर के मतलब की ढाल के मतलब की ढायर के मतलब की ढालना गिराना डालना ढालना ढायर मतलब डालना ठीक है तो नेम्हा पानी मतलब कि पवित्र पानी को डाल के जिया मतलब कि जिलाए हैं किसको तो तुलसी के पौधा को मोर प्रीत मोर श्रद्धा उसमें मेरा प्रीत जुड़ा हुआ था मेरा प्यार जुड़ा हुआ था मेरा श्रद्धा विश्वास जुड़ा हुआ था मेरा वो श्रद्धा था कौन तो तुलसी के पौधा के ले गया उखड़ा के उसको को उखाड़ के ले गया देखो कितना गजब बा, बात हो गया उसमें कितना प्यार से वो काक किए है कि अंगना के बीचों बीच ऊँच चबूतरा बनाए के पवित्र मन से तुलसी का के तुलसी के पौधा को नेमहा पानी ढार के जिया ले पवित्र पानी डाल के जिलाया उसमें उनका प्रीत और श्रद्धा जुड़ा हुआ था उसको के ले गया उखड़ा के को उखाड़ के ले गया देखिए इतना ही सा ये स्टैंड जब क्लियर था इतना ही सा है कभी इतना तो ही सो बोल रहे हैं आगे देखते हैं आगे आपका गेम होता है उसको देखते हैं दुआर कर दोनों अर्रा मतलब दरवाजा है ना घर का ये मान लीजिए घर हो गया इसका दरवाजा ये हो गया तो इसका दोनों अर्रा मतलब कि दोनों किनारे ठीक है कौन ये घर हो गया मान लीजिए ठीक है तो इसका दरवाजा मान लीजिए ये हो गया तो इसका ये ये साइड और ये साइड दोनों अर्रा हो गया मतलब दोनों किनारे कुछ कांटा उघरा लंगटा रोइप देलक कैक्टस के के हराइन के देख रहे कितना गजब गेम खेल दिया द्वार के उसको तो उखाड़ दिया उसको इतना तो सरदार पीस लगाया होगा तुलसी के पौधा को और ऊपर से और गेम कर दिया क्या गेम कर दिया दुआर कर दोनों को मतलब कि दरवाजा जो दूरा है आने जाने का जो रास्ता उसको दूरा बोलते हैं ठीक है जहाँ पे दरवाजा लगा रहता है तो दूरा का उसका दोनों साइड दोनों साइड कुछ कांटा उघरा लंगटा मतलब कि कुछ कांटा टाइप का कोई चीज़ है कैक्टस का वर्ड अभी आया ना जो कैक्टस किसको बोला जाते हैं नहीं देखे हैं कैक्टस रगिस्तान सब में ऐसा ऐसा जिसमें लगल रहता है यही ना कैक्टस है ये जो दिखे ये 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 कैक्टस का पौधा है ऐसे ही कैक्टस होता है तो दुआर कर दोनों और दोनों साइड कुछ कांटा उघरा लंगटा रोप कैक्टस के हर के लाइन के के हर लाइन के मतलब कौन का किया दो दरवाजा के दोनों साइड कुछ कांटा कंटीला कैक्टस को ला के कोई रोप दिया और मेरा जो आंगन के बीचों बीच भी जो तुलसी का पौधा लगाया हुआ है जो मेरा श्रद्धा जुड़ा हुआ था उसको उखाड़ के ले गया और उसके बदले में दरवाजा के दोनों साइड दूरा दोनों साइड का लगा दिया तो कैक्टस का के पौधा लगा दिया भयानक गेम कर दिया अब आगे देखते हैं लास्ट ये तीन लाइन जीव कर जतने पोसल मोर सुगा मैना कांदा थे कांटा में बाइज के अब उतना प्यार से मेरा पास पाला पोसा सुगा मैना मतलब कि जो चिड़ चिड़िया सब रहता है और जीव का जतने पोसल जितना पाला पोसा हुआ था सब का हो रहा है उस कांटा में कौन कांटा में तो कैक्टस का कांटा में बाज के सब का कर रहा है तो कांद रहा है कांदत रहा है रो रहा है मतलब तो जीव कर जितने पोसल मोर सुगा मैना कांदत है कांटा में बाज के उस कांटा में बाज के सब रो रहा है बस इतने सा है इतने ही सा है पहला सेटिंग में का है तो अंगना के बीचों बीच लगाया हुआ था उच्च उस चबू एक सेकेंड हाँ अंगना के बीचों बीच लगाया हुआ था उस चबूतरा बना के पवित्र मन से लगाया हुआ था तुलसी का बूदा तुलसी का पौधा निम्हा पानी मतलब पवित्र पानी सबको ढाल के वहाँ गिरा के मोर प्रीत मोर श्रद्धा उसमें जुड़ा हुआ था मेरा के ले गलक उसको उखाड़ के कौन ले गया दूसरा बात क्या करता है दुआर कर दोनों वाला दरवाजा मतलब कि हाँ दूरा या दरवाजा के दोनों बगल में कुछ कांटा उघरा लंगटा रोप दिला कैक्टस के हर लाइन के कौन कांटा कंटीला कैक्टस को ला के लगा दिया और लास्ट लाभ में है जीव कर जितना पोसल जीव उतना प्यारा जीव जंतु है जिसको पोसा हुआ मोर सुगा कांदा कांधा थे कांटाम बाज के वही में कैटस थला काटवाम, काटवाम बाज के और सब रो रहा है बस इतना ही सब कविता है जो जो की धर्मेंद्र परवाही जी इसको अपना शब्दों में बयां किए हैं तुलसी और कैक्टस का के बीच का वर्णन किए हैं चलिए देखते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर इससे पहले दो सेकंड बात कर लेते हैं एग्जाम फॉर्मेट के का जो पेड़ पर चल रहा है बहुत शानदार रिस्पॉन्स रहा है दोस्त आप लोग का तहे दिल शुक्रिया और जो कल से बहुत सारे कॉल आया कल शाम में आ, पेमेंट प्रोसेस में बहुत दिक्कत हो गया था ठीक है जिसकी वजह से बहुत सारे ओल्ड छात्र और नया छात्र भी पेमेंट नहीं कर सके थे जिसके वजह से कल जो ओल्ड छात्र के लिए कल लास्ट डेट था डिस्काउंट का उसको बढ़ा के और कल तक मतलब कि कल कल दस आ, मतलब दस तारीख तक कर दिया गया है तो जो ओल्ड छात्र जुड़ना चाहते हैं जुड़े बिंदास तो को जुड़े आठ सौ उन्यासी लगेगा जो नया छात्र जुड़ना चाहते हैं उनको भी तेरह सौ निन्यानवे लगेगा ठीक है तेरह सौ निन्यानवे में, में उसमें क्या है हार्ड कॉपी का डिलीवर होगा एक बार देख सकते हैं कि क्या है यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी सात सुबह सात से आठ बजे के बीच मिलेगी लिंक और आप कभी भी कितना बार भी आप उस वीडियोज को देख सकते हैं क्लास के बाद हम सिक्यू नोट दे दिया जाता है उसके बाद नेक्स्ट डे क्लास का टॉपिक वाइज टेस्ट ले लिया जाता है जो सुबह क्लास हुआ रात में इसका एम सी क्यू नोट्स दे दिया गया अगला दिन उसे टेस्ट ले लिया गया दस दिन में कंप्लीट क्लास का फुल लेंथ दस दिन में जितना कंप्लीट क्लास होगा उसका फुल लेंथ टेस्ट चलेगा मान लीजिए सात चैप्टर हुआ सातवें चैप्टर का पूरा फुल लेथ मिक्सअप करके टेस्ट ले लिया जाता है कंप्लीट एम सी क्यू नोट्स का हार्ड कॉपी होम डिलीवर होगा ठीक है यही चार्ज में आपका सिर्फ डिलीवरी चार्ज लगेगा बीस से पच्चीस दिन टाइम तो बीस दिन बाद आपका हार्ड डिलीवर हो जाएगा पूरा होल सिलेबस का ठीक है और जो टारगेट रखा गया है इस कोर्स का पूरा करने का ढाई महीना से पहले कंप्लीट करा देना है कहा कि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिला है इसीलिए और एक सीट आप लोग को हर हाल पक्का करना है उसके लिए आपको लैंग्वेज नब्बे पंचानवे हर हाल में स्कोर करना पड़ेगा अल्टरनेट डे डाउट डिस्कशन अल्टरनेट डे डाउट डिस्कशन वो तो ऐसे भी जिसको भी दिक्कत होता है वो पर्सनल मैसेज करके पूछ ही ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यह है फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे तेरह और आठ बुक लेना कोई जरूरी नहीं है यार पच्चीस सौ का कोई क्यों बुक लीजिएगा कोई जरूरी नहीं है एग्जाम परमेंट सारी व्यवस्था कर रही है और जो पेड ग्रुप पे जुड़े हैं उनको दोस्त उनको कहना चाहते हैं कि आप लोग ये टेंशन मत ले दो दिन में आप लोगों को सारा चीज़ प्रोवाइड हो जाएगा ये सब बुक्स रिलेटेड फोन पे का मटेरियल जो है यहाँ पे फोन पे दिया हुआ है जिसको पेमेंट करना है इस नंबर पर आप फोन पे कर सकते हैं एट डबल जीरो टू एट फाइव एट सिक्स सेवन फोर पे या पेटीएम भी कर सकते हैं जिनको गूगल पे करना है इस नंबर पे आप गूगल पे कर सकते हैं साइड में जो गूगल पे नंबर दिया हुआ है ठीक है और जिनको कॉल करना है आप कॉल कर सकते हैं इसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं ठीक है जल्दी से जुड़े तीन क्लास हुआ है मात्र अभी स्टार्ट हुआ है ठीक माहौल बनने वाला है जबरदस्त तरीका से एक लाइन से चलेंगे डेली क्लास होगा डेली हम सिक्यू नोट्स उसका टेस्ट पूरी तरह तैयारी करते चलेंगे ढाई महीना हम पानी पानी कर देंगे दो महीना में करना है टारगेट लेकिन ढाई महीना मैक्सिमम टाइम ले जा उसके बाद पेपर थ्री सब मिल मतलब उसके बाद पेपर थ्री के पढ़ने का पूरा टाइम मिलेगा इधर पूरा पानी पानी कर देना है उधर पूरा टाइम लेके पूरा एक सीट पक्का कर लेना इस बार हर हार नहीं छोड़ना है चलिए देखते हैं आगे हम लोग इससे उससे संबंधित एमसीक्यू देखते हैं ठीक है किसे संबंधित देखते हैं तो इसी से तुलसी और कैक्टस से पहला प्रश्न क्या है तुलसी और कैक्टस कविता का रचिता के कौन लिखा है अभी बहुत अच्छा प्रश्न है ऑप्शन बिल्कुल लगाते चलिएगा कमेंट करके जरूर बताइए कितना सही हुआ तो ऑप्शन क पहला का क हो गया ठीक है दूसरा है तुलसी का पौधा कहाँ लगा रहे कहाँ लगाया हुआ था तुलसी का पौधा खेत में अंगना कर अर्रा में अंगना बीच में छत में कहाँ बताइए हिंदी भाषी सब छत स्टूडेंट भी समझ में आएगा आएगा आप लोग को बिल्कुल आप लोग भी कमेंट करिए लास्ट में बताइए कितना सही हुआ तुलसी का पौधा कहाँ लगाया हुआ था बिल्कुल आंगन के बीच में था आंगन के बीच में ठीक है आगे देखते हैं कविता अनुसार कैसन पानी से तुलसी के जियाल गया कैसा पानी तुलसी लाया गया था प्रदूषित नेमा पानी माने शुद्ध पानी दूध मिलाल पानी या सौफे कैसा बिल्कुल खास नेमहा पानी से चौथा देखते हैं तुलसी के पौधा के कैसन मन से रोपल गलक रहे कैसा मन से उदास मन से पवित्र मन से अपवित्र मन से या बेकार मन से कैसा बिल्कुल एकदम ऑप्शन ख पवित्र मन से एकदम याद हो गया होगा जी बिल्कुल टेंशन था ये सब कविता विता पानी पानी होगा टेंशन मत लीजिए क्वेश्चन पाँच कविता के अनुसार तुलसी पौधा कर जगह हमें का लगा देवल गया का लगा दिया गया था गेम करके साग तुलसी झाड़ी कैक्टस का तुलसी पौधा को उखाड़ दिया और क्या कर दिया कैक्टस को लगा दिया था दूर दोनों साइड कैक्टस का पौधा के कहाँ लगा जा रहा है कहाँ लगाया गया था ठीक तुलसी का जगह हमें दूरा कर दुयो अर्रा में अंगना कर बीच में क्यों नहीं कहा बिल्कुल ऑप्शन एकदम सही जवाब ऑप्शन खा दुया दूरा कर दुयो अर्रा में ऐसा ही प्रश्न पूछेगा एग्जाम में ऐसा ही पानी की तरह मारिएगा आगे देखते हैं कैक्टस का पौधा कैसा कैसा होता है कंटीलादार फूल जैसा फल, फल जैसा ये प्रश्न क्यों पूछा कि वहाँ पे आया है कटीला लंगटा पौधा कोई लगा दिया ऐसा करके आया है ना बता रहा है कंटीला दार कैक्टस था तो कंटीला है, है? आठवा क्वेश्चन देखते है, सुगा हैं सुगा मैना सब कैक्टस में बाइट कहा होता है का हो रहा था उन लोग उड़त है भाग जात है कांधा थे या मोरा थे कांत कांदे लाग रहे देख रहे कितना छोटा चैप्टर से कितना अच्छा प्रश्न निकाल लाए हैं बिल्कुल टेंशन बिल्कुल मत लीजिए और सबका पी तैयार हो रहा है होम डिलीवर जाएगा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है एग्जाम फॉर्मेट जुड़े रहे पूरा कंप्लीट तरीका से आप लोग को जो एम मिलेगा और इसका पी होम डिलीवर होगा चलिए आगे देखते हैं जिनको पेड बस ज्वाइन करना है बिल्कुल लेट ना करें बहुत ज्यादा पैसा नहीं है बाई सीट मिलेगा आप लोग को इतना ही समय और होम डिलीवर भी तो जाएगा बहुत बहुत शानदार मटेरियल मिलेगी इससे पहले आप लोग एग्जाम फॉर्मेट पे भारी विश्वास जता है इस बार भी विश्वास जाता है दिल खुश कर देते हैं यार लगता है कि मेहनत करते तो उसका वसूल आप लोग करते हैं आप लोग भरोसा जताते हैं और एग्जाम फॉर्मेट कोशिश करता है कि आप पे खड़ा उतरने का तुलसी का पौधा के जिया में काका शामिल है का, का उसको जिलाने में शामिल हैीड़ प्रीत या कर खदुयो तुलसी के पौधा के दिया में का का शामिल कामिल था पानी तो डालबे किए थे लेकिन उसके साथ प्रीत भी था और श्रद्धा भी था कर था शामिल उसमें आगे देखते हैं हेठे देवाल में से कौन पौधा के सबसे ज्यादा पवित्र मानल जाए कौन दिया हुआ में से किसको जामुन तुलसी कैक्टस कैक्टसो कैक्टस को इसको बिल्कुल न इसको कैसे मानेगा तुलसी को मानेगा तुलसी न है कैक्टस तो गेम करके डाल दिया था आगे देखते हैं ग्यारह नंबर दुआर कर दोनों आर कुछ लंगटा, के, के के को लाइन केहर, केहर बोल रहा है, के मतलब कि देवल कविता के कर सीर्षक, कर सीर्षक बताओ, इसको नहीं दिया है, आप लोग जान सकते हैं छूट गया ऑप्शन लेकिन मत लीजिए क्या हो जाएगा कविता शीर्षक बिल्कुल 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 तुलसी

बाढ़ गलत या क्यों नहीं क्या हुआ तुलसी के जितना कविता सुना रहे हैं बिल्कुल उखड़ा के ले उखड़ा ले गलत लग, मतलब उखाड़ दिया गया था क्वेश्चन चलिए देखते हैं लास्ट ही क्वेश्चन है ये अभी तुलसी के के कैसन में रोपल जा रहे तुलसी को कैसा जगह में रोपा गया था रोपा मतलब कि लगाया गया था चबूतरा में जमीन में कादो खेत में छाइन में कैसा जगम लगाया गया था बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा इसका कि कैसा जगह लेकर आएंगे पेड बाज पर जुड़ना है एट डबल जीरो नंबर पर जरूर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं शानदार तरीके से क्लासेस चल रही है और सारा चीज प्रोवाइड होगी आप लोगों को चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए धन्यवाद